आजकल करेंसी के लिए हम डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं, तो उस ज़माने में हमारी जो करेंसी हुआ करती थी वो किस तरह की, वो हमें दिखाइए। हाँ, आप आके देख लीजिए, ये पहले ज़माने में कॉपर या सिल्वर या इसकी तांबे की हुआ करती थी, तो डिफरेंट ये थे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये यहाँ पर ये कॉइन्स वगैरह हैं, ये कितने सौ साल पुरानी है। इसमें डिटेल्स भी दी गई है, वो आप साइड में देख सकते हैं किस किस एज की ये है। सुल्तान ज़ैनुद्दीन अबदीन या सुल्तान हसन शाह, ये 1420 से लेकर 1470 इसमें एज वगैरह दी गई है। ये तो बहुत पुराने सिक्के हैं, तो अक्सर यहाँ पर जब बच्चे आते तो वो पहले तो मानते ही नहीं है कि ये हमारी कभी करेंसी हुआ करती थी। तो मगर हकीकत ये है कि ये पहले हमारी करेंसी हुआ करती थी। इसकी सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे ये हैं कॉइन्स वगैरह। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने थोड़ी बहुत ये पीरियड दिया है कौन सा किस पीरियड तक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें। ये दिन ब दिन जब करेंसी आज चेंज होती गई, तो फिर पहले तो यहाँ पर कश्मीर में ये करेंसी हुआ करती थी। बहुत पहले की इसमें जो वहाँ पर जो डेट लाइन दी गई है वो बहुत पहले की है, इवन के 980 से लेकर। हाँ, इसमें ये तो आप खुद भी देख सकते हैं, आपने देख भी लिया होगा कि कितने, और ये देख लीजिए कि इसका प्रॉपर कोई साइज़ नहीं हुआ करता था, कोई शेप नहीं हुआ करते। हाँ, बस इसमें कुछ लिखा हुआ करता था कि हाँ ये इतने आने का जो भी होगा उस वक्त वो लिखा हुआ, और उसकी जो उस वक्त का बादशाह हुआ करता था उसकी कोई स्नैप वगैरह स्नैप डेली हुआ करती थी, तो उसे पता चलता था कि ये इसकी वैल्यू क्या है। मुझे है इस गैलरी में जहाँ पर इन्होंने ख़ास तौर पर जो ज्वेलरी है उसका जो कलेक्शन रखा हुआ है, किस तरह की ज्वेलरी उस वक्त हमारी जो माँ बहनें हैं वो पहना करती थी, तो हमें ये बताए कि इसमें क्या ख़ास है, कौन किस तरह का जो हम पहनते थे उस वक्त ज्वेलरी। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बाहर भी दिखाया, जो कश्मीरी पंडित थे उसको वो डेजहूर लगा हुआ था। हमारे पास ये ऐसे ये लगाते थे, कानों वगैरह में लगाते थे, ऐसे ये जेवरात वगैरह लगाते थे। अभी हमने इसमें लगाई नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये लगाएंगे। इसको डोल माल बोलते थे, ये भी लगाते थे, जेवरात ऐसे जेवर ये सारे इस्तेमाल होते थे। इसमें बहुत सारे ये डिज़ाइनर्स हैं जो उस वक्त ये इस्तेमाल करते थे हमारे दुल्हन वगैरह, या डेली भी यूज़ होते थे। खासकर ये जो आइटम्स है, ये चीज़ें, ये अक्सर दुल्हन जो जब मायके से ससुराल जाते थे, इसमें ये इसको कश्मीरी में बोलते अल खिल्द, इसमें इलायची वगैरह रखते थे, तो फिर उस वो वहाँ पर खाते थे तो मुँह से खुशबू निकलती थी, जिसके तो लिए आजकल हम करते थे परफ्यूम, परफ्यूम वगैरह जो भी। हाँ हाँ, तो हाँ ये सारे ये इसको कोर बोलते हैं, तो ये हाँ ये डिफरेंट ये है। ये ब्रेसलेट से पुराने ज़माने के, तो या पायल, ये पायल है, तो ये सारे पायल लिए यहाँ पर आप देख लीजिए। ये ब्रेसलेट वगैरह जो हाथों में डालते थे, ये वो है, डिफरेंट वैरायटीज हमें देखने को मिल रही है। डिफरेंट इसमें हमारे पास कम से कम 500-600 ये आइटम्स हैं जो डिफरेंट वैरायटीज के होंगे। तो ये रिस्ट के लिए हुआ करता है, जिसको हम ब्रेसलेट आजकल ब्रेसलेट बोलते हैं। ये जो है, ये जैसे आपने बाहर देख लिया कि जो ड्रेस वगैरह, ये माथे पर लगाते थे, अभी हमने नहीं लगाया, ये माथे पर लगाते थे इसमें, तो फिर दुल्हन वगैरह या डेली जो भी वो खूबसूरत लगती थी। ये डिफरेंट अंगूठियाँ वगैरह हैं, ये देख लीजिए बहुत सारी अंगूठियाँ, कितनी बड़ी, कितने डिज़ाइन, कितने खूबसूरत उस वक्त के हैं। तो ये तावीज़ वगैरह बनाई हैं, इसमें ये देख लीजिए उस वक्त हाथ से कुछ लिखा हुआ है, ये आप उस वक्त की कारीगरी देख लीजिए कैसे उन्होंने लिखा है। तो ये डिफरेंट काइंड्स, ये इसमें ये सुरमा वगैरह रखते थे, तो जो हम आँखों में लगाते हैं वो इसमें ये रखते थे, इसको सुरमधुन बोलते हैं। ये डिफरेंट ये मालाएँ वगैरह आप देख सकते हैं, कितनी ये सारे कुछ उन्होंने हाथ से ही बनाई हैं। ऑलमोस्ट कितने साल कबल का ये जो पूरा यहाँ पर ये ज्वेलरी की गैलरी है यहाँ पर रखी गई है, ऑलमोस्ट कितने साल पुरानी होगी? इसमें एक्चुअल डेट हम नहीं बोल सकते, कोई 100 साल, कोई 200 साल, कोई 500 साल, तो ये ऑलमोस्ट 100 साल से पुरानी है।
तो कुछ 1000 साल भी पुराने हैं, कुछ 200 साल भी पुराने हैं, तो ऑलमोस्ट सारे पुराने हैं। जैसे जमकोम वगैरह यूज करते हैं आजकल, उस जमाने में ही हाँ, पहले तो लकड़ का हुआ करता था। अच्छा। इसको बोलते हैं तिल कंगन, इसको इसमें तेल वगैरह डालते थे, एक तो कंगा भी करते थे और तेल भी लगता था। तो ये उस वक्त उन्होंने ये देखे डिफरेंट काइंड से, फिर जब ये फिर लास्ट में प्लास्टिक के आ गए, आज तो आपको पता है किस किस मेटल के आते हैं। तो ये तो जो आपने बाहर वो कसाब वगैरह देख रहे, ये उसके डिफरेंट पिन्स जो सर में लगाते थे उस कसाब के ऊपर, हाँ ये हमारे पास लगभग 100 से ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, क्वान्टिटी तो बहुत है, 100 वेराइटीज़ तो 100 से ज़्यादा है इसमें। नाज़रीन, आपने ख़ुद भी देखा कि किस तरह के जो यहाँ पर चीज़ें हमें जो हम पहले ज़माने में यूज़ किया करते थे वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये जो म्यूज़ियम है ये सोपोर में वाक़ा है। हमारे जो बच्चे हैं आजकल स्कूल्स है या मतलब बाकी जो हमारे घरों पे जो बच्चे हैं उनको इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इससे नावाकिफ़ है, जानते नहीं हैं कि इवन कि हम नहीं जानते कि हमारा जो पुराना कल्चर था वो किस तरह का था, हमारा लाइफ स्टाइल किस तरह का था। तो उनको चाहिए कि वो यहाँ पर आ जाए, अपने जो पुराना जो कल्चर था उससे वाकफियत हासिल करें। यहाँ पर ऑलमोस्ट 7000 से ज़्यादा इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो हमारा जो पहनावा है वो भी हमने आपको दिखाया, हमारा हम जो करेंसी यूज़ करते थे, हमारा जो लाइफस्टाइल था, हमारी जो उस वक्त हम यूज़ करते थे, जैसे कि हमने जापान दिखाया आपको, ये चीज़ें आजकल हमें यहाँ पर कहीं पर भी इवन देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये हम सब अगर हम देखना चाहेंगे तो हमें यहाँ मीरास महल आना चाहिए, यहाँ से पूरी हमारा जो कल्चर है उससे वाकफियत हासिल कर सकते हैं।